तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पसंदीदा पाव की रेसिपी। बहुत ही कम है, बहुत ही झटपट बनी होती है, खाने में बहुत ही मजे के लगते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं देखने में जितने मजे के लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। आप इसको पाव के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मजे के लगते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। पसंद बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम मटन लिया है, यहाँ पे हमने फैट के साथ लिया है आप देख सकते हैं, और इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पीसे जो है वो कट कर लेना है। फैट वाला भी ले लीजिएगा पीस, और इस तरह से नॉर्मल जो है आप पीस ले लीजिएगा। इस तरह से हम इसको पानी, इसको अच्छे से आप 3-4 पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसके पानी को आप बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, किसी स्टेनर वगैरह में रख के इसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पपीता लिया था, कच्चा पपीता, इसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे हम 2 टीस्पून इसको डाल देंगे, इससे जो है हमारा जो है गोश्त जो है वो बहुत आसानी से गल जाता है। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और नमक हमें अपने स्वाद अनुसार डाल देना है। यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अच्छे से हर तरफ से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो है पपीता वगैरह जो है हमारे अच्छे से मीट में, मटन में जो है वो लग जाए, ताकि जो है हमारा मटन वो अच्छे से गल जाए। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स करिए, नमक वगैरह भी हमारा जो है हर जगह अच्छे से पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसको बाहर काउंटर पर रख देंगे। इसको आप फ्रीज पर मत रखिएगा पपीता लगा के, इसी तरह से हम इसको जो है वो बाहर ही रखना है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया सभी तरफ से, अच्छे से हमारा पपीता वगैरह मिक्स हो गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से काउंटर पर रख देंगे, और इसके बाद हम इसके आगे की मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन को हल्के से मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, फ्लेम पे अच्छे से हमें गर्म होने देना है। इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हमें साबुत धनिया डाल देनी है, 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा जो व्हाइट वाला जीरा होता है हमें उसको डाल देना है। इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। सभी मसालों को हमें चलाते हुए अच्छे से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक टुकड़ा हमें दालचीनी का ले लेना है, और इसी के साथ ही यहाँ पे हमें 2 बड़ी इलायची लेनी है। इसमें बड़ी इलायची थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए आप जो है यहाँ पे 2 बड़ी इलायची लेंगे आधा किलो। अगर आपका 1 किलो को से तो आप उसमें 4 बड़ी इलायची कर सकते हैं। अब इसी तरह से हल्का हल्का सा हमें मसाला रोस्ट कर लेना है, एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे तो जो है हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को जो है ठंडा कर लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें 3 से 4 साबुत सूखी मिर्चें ले लेनी है, इसको भी हल्का सा हमें जो है वो रोस्ट कर लेना है। हमारे मसाले वगैरह अच्छे से रोस्ट हो गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा टुकड़ा जो है वो जावित्री का भी लिया है, इसको भी हमें डाल देना है, डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मसाले में से एक अच्छे से खुशबू आने लगी, इसका कलर वगैरह हमें नहीं बदलना है, बस हल्के से हमारे मसाले बस गर्म हो जाए, रोस्ट हो जाए, एक खुशबू हल्की से आने लगे, बस हमें मसालों को इतना ही गर्म करना है। स्टेज से फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा करके हमें इसके ग्राइंडर जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इधर हमारे मसाले जो है ठंडे हो गए थे, इसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के इसका एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं एकदम इसका इसी तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लेना। चलिए देखते हैं हमारी गोश्त का क्या हाल है। इधर हमारे गोश्त वगैरह को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये तीखी भी नहीं होती और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और जो हमने अपने मसालों का पाउडर बना के रखा था हमें उसको भी डाल देना है इसी के साथ। अब सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करके कम से कम हम 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको इसी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे। सभी मसालों को अब अच्छे से जो है वो मिक्स कर लीजिए। इधर आप देख सकते हैं सभी मसालों के हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज में रख देंगे। इधर हमारे मटन को रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा मटन बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, और ये इसके पीस जो है वो गलने भी शुरू हो गए। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमने अपने मटन को मैरिनेट करके रखा हुआ था हमें इसमें जो है उसको डाल देना है। आप चाहे जितना बनाना चाहती हैं आप उतना ही डालिएगा, अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा डाल दीजिए, या फिर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाफ डाल लीजिए। इस तरह से हमें अपने मटन को इसमें डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो कर दिया है, हाई फ्लेम पे पहले तेल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद फ्लेम को एकदम मीडियम टू लो कर दीजिएगा, और लो फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से इस तरह से इसमें फैला देना है। फ्लेम को एकदम मीडियम टू लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पर इस तरह से हमें अल्ट्रेट कर दिया है, करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना, इस तरह से कवर कर देंगे, और कवर करके इसको 5 मिनट तक के एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। इधर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को पकते हुए, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है,
और मटन में अपना मॉइस्चर वगैरह छोड़ दिया है, इसमें से पानी वगैरह एकदम छूट गया है, मटन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हमें फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही मज़े का बन के तैयार होगा, बहुत ही झटपट से बन के आता है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं देखने में जितने मज़े लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। इसी तरह से मुझे चलाते हुए इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे हर तरफ से। इसी स्टेज पर आप नमक वगैरह चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो उसमें थोड़ा बहुत नमक और डाल लीजिए। आप देख सकते हैं फ्लेम को यहाँ पे हमने हाई कर लिया था, हाई फ्लेम पे हमने अपने पसंदों की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमारे पसंदी एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भुनना है, इसमें तेल वगैरह एकदम छूट गया, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इधर हमने अपने पसंदों को सर्व कर लिया, आप देख सकते हैं इसको प्याज और नींबू के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको पाव के साथ खाइए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं इसको पाव के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।